मैम आपका अटेम्प्ट और अपना नाम? मेरा नाम स्वाति है और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मैम मीडियम क्या है आपका? मीडियम इंग्लिश है। मैम कौन सा बोर्ड था और कितने मेंबर थे उसमें? 5 मेंबर्स थे और चेयरवुमन थी स्मिता नागराज मैम। सो मैम क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो डेफ में आपका क्या था? डैप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस डैप और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, मिक्स थे सभी। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैम ऑप्शनल में पब्लिक एड से किस किस टाइप के क्वेश्चन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्लासिकल थ्योरी के बारे में पूछा था कि उसकी क्या वीकनेसेस थे जिससे न्यू क्लासिकल में जाना पड़ा, तो वो सब पूछा था। बाकी ये पूछा था कि लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस ये हैं थे। मैम जब आप रूम में एंटर किया आपने, तो पहला उनका क्वेश्चन क्या था, पहला रिएक्शन उनका क्या था बोर्ड का? एज सच तो स्माइल ही कर रहे थे, कुछ ऐसा डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते तभी एक्सप्रेशन चेंज होता है, वरना तो फ्रेंडली अपीयर ही करते हैं, मैं स्माइल के साथ ही। okay. वो करते हैं। करेंट के मैम क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू करेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, रसिया यूक्रेन या फिर श्रीलंका की बात करी जाए तो इस समय बर्निंग इशू है। तो मैम आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे करेंट में? वो तो मेंबर्स पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस मिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि डाफ में से भी था और करंट अफेयर्स से भी। करंट अफेयर्स से बेसिकली अभी ये जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर वाला जो बिल था जिसमें सस्पेक्ट्स के डेटा स्टोर करने की बात थी, तो उस वो क्वेश्चन आया था, उसके क्या इम्प्लीकेशंस है उस पर क्वेश्चन आया था। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दी थी कि जजेस को पर्सनल कामों के लिए जाने के लिए क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है परमिशन की गवर्नमेंट की, तो वो पूछा था। बाकी जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चंस था, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जुडिशरी को हमें उनकी पावर्स हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। मैम ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें आप ब्लैंक हो गई हो, जैसे कि उटपटांग टाइप क्वेश्चन कहा जाए, उटपटांग मतलब कि लीक से हट के, कुछ ऐसा क्वेश्चन? हाँ कुछ क्वेश्चन है जो नहीं आते थे, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सॉरी आई डोंट मंच। उन्होंने लीडरशिप के बारे में पूछा था, लेवल 5 लीडरशिप, तो वो मुझे नहीं पता थी। बाकी एक दो क्वेश्चंस और थे, जैसे कि थे क्वेश्चंस जो नहीं आए, मतलब बिल्कुल नहीं कर पा रहे। ओके मैम कंडीशनल क्वेश्चन की बात करिए, एथिकल क्वेश्चन की बात करिए, आपको डीएम बना दिया, पीएम बना दिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई एथिकल क्वेश्चन, केस स्टडी कंडीशनल क्वेश्चन था? ऐसे एथिकल नहीं था, पर ये था कि सपोज आप को टीम मिली है, आप लीडर हो उस टीम के, तो फिर आप कैसे काम करोगे, ये था बेसिकली। तो मतलब कौन सा टीम मिला था, मतलब लीडर किस टाइप के लीडर की बात कर रही हैं? वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कैसे हैंडल करोगे अपनी टीम को, आप लीडर हो, तो वो क्वेश्चन था, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसा डिटेल में नहीं था। तो वही था कि मैंने यही कहा था कि मतलब मोटिवेटेड रखो को, सब जो अच्छा काम कर रहे हो उसे इंसेंटिवाइज करो, जो बुरा कर रहे हो उसे डी इंसेंटिवाइज करो, ताकि वो ट्रैक पे आ जाए और ढंग से काम करो, क्योंकि यही है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टिव एफर्ट, टीम एफर्ट से ही चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती है, अकेले से नहीं हो सकती। okay. मैम जो है कि आपका ये फोर्थ अटैम्प्ट है, अभी तक UPSC की जर्नी क्या क्या रही है, कहाँ कौन कौन सा स्टेज तक आप पहुँचे? जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सेकेंड स्टेज में मैं इंटरव्यू तक पहुँच गई थी, बट फाइनल लिस्ट में नेम नहीं आया था। थर्ड मतलब फिर वो फेलियर से मैं उभर नहीं पाई थी, तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। ऑल्दो मेरी प्रीलिम्स में जो GS की कट ऑफ क्लियर हो गई थी, पर CSAT नहीं हो पाया था। फिर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है और इंटरव्यू है। मैम आपका एकेडमिक क्या रहा है, एकेडमिक में आप कितने स्ट्रांग थे, कितने इंटेलिजेंट थे? हाँ मतलब स्कूल तक था थोड़ा हाई, उसके बाद कॉलेज में थोड़ा कम था, बाकी वैसे तो उसमें 90 प्लस ही थे। जैसे स्कूल में जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स ऑनर्स, फिर BSc करा आपने? हाँ नहीं नॉर्मल BSc नहीं ऑनर्स है। अच्छा BSc ऑनर्स। ओके सो मैम आप जब तैयारी के दौरान मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि हमें कहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करना है, क्योंकि बाढ़ सी रही है मार्केट में, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, कोचिंग संस्थान, तो कैसे आपने फिल्टर आउट किया, क्या आपकी ट्रिक्स और टेक्निक्स होती थी कि हाँ ये नोट्स मेरे लिए सही है, इसको हमें फॉलो करना है, ये बुक सही है, बाकी सारी चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना, तो उसका क्या बेसिकली तरीका होता? जैसे मेरा तो ये हो गया ना, काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन में, तो ओवरऑल टाइम, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें रेफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर सिलेक्शन हो ही जाता है। पर ये है कि मैंने इसे नोटिस किया कि हर कोचिंग में ना मटेरियल सेम ही रहता है, मीन्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, बस ये सिलेक्ट करो, कोई भी एक सेलेक्ट करो और उस पर स्टिक करो, कोई भी मटेरियल हो,
क्योंकि सेम रहता ही है कंटेंट कोई भी, चाहे करंट अफेयर्स मैगजीन्स ही ले लो किसी भी इंस्टीट्यूट की, मोर और लेस कंटेंट सेम है। ये है कि कोई भी एक चूज़ कर लो जिसकी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन में कंफर्टेबल हो और स्टिक टू दैट। मेंस की बात करिए तो मेंस में जो है कि इंटरकनेक्ट करके पढ़ने की बात होती है कि स्टैटिक पार्ट को और जो करंट का उसको इंटरकनेक्शन जिसको आएगा वो क्वेश्चन अच्छा लिख पाएगा, तो उसका मतलब कैसे करना होता है, कैसे एस्पिरेंट करें वो? तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आप पढ़ रहे होते हो तो क्वेश्चन देखते हो आपको क्लिक हो जाता है। जैसे कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, तो उसमें हम फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि डिसीजन स्टेक होल्डर्स को बिना पूछे इंप्लीमेंट हुआ था और पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं हुआ, तो उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो जो भी मेन चीज़ें हैं वो जो होती रहती है वो एग्जैक्टली स्ट्राइक करेगी अगर पढ़ रखा होता है ना और क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप स्ट्राइक करते हैं। बस ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखो और मतलब लगे रहो जो भी है। मैम आपने यदि कोचिंग किया तो कोचिंग से कितना बेनिफिट हुआ, और कोचिंग ना किया जाए तो क्या पॉसिबल है यूपीएससी की जर्नी? देखो कोचिंग का ये है कि क्या कहते हैं मैंडेटरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो बुक से पढ़ के भी कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हमें पहले कोई पढ़ाए तो फिर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरह ग्रास्प कर पाएंगे, तो ये वाली चीज़ है। तो कोचिंग इसलिए है कि अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो वो चूज़ करो, ऐसा कोई ये नहीं है कि वो करेगा तो वो हो जाएगा, वो अपनी कंफर्टेबलनेस की बात है जो भी है। सो मैम जैसे कि आपका चौथा अटैम्प्ट है मैम, और कहीं ना कहीं एक मतलब बात होती है डिमोटिवेशन वाली बात आ जाती है, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, सभी लोग अपने तरीके से हैंडल करते हैं, तो आप बेसिकली उससे कैसे हैंडल करते हो डिमोटिवेशन? हाँ डिमोटिवेशन तो हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास चल रही होती है, उसका इम्पैक्ट आप पे होता है। आप देखते हो कि मतलब आपने काफ़ी ईयर्स दे रखे हैं अपने बट स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहे। उस टाइम ये होता है कि आपको कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, तो मेरे केस में तो फैमिली है कि उनको कभी कभी ये होता है कि आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। जैसे मेरा हुआ था कि सेकेंड अटैम्प्ट के बाद, जैसे जब इंटरव्यू फेल किया था मतलब जिन्होंने फाइनल में, तो मेरा हो गया था कि मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ होता था, ट्रस्ट अपने ऊपर नहीं रहता, तो उस टाइम फैमिली था कि उनको आप पे ट्रस्ट था कि हो जाएगा अगर लगे रहोगे जो भी है, तो कोई ना कोई ज़रूरी है जिससे आप बात कर सको ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के साथ साथ इमोशनल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में आई थिंक। ओके सो मैम प्लान बी की बात करें कि प्लान बी कोई आपने रखा है कि मतलब यूपीएससी की मतलब सिर्फ जर्नी आपकी मतलब कंटिन्यू रहेगी, होप्स हो कि हम भगवान से इस वर्ष दुआ करते इसी अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन प्लान बी के बारे में ख्याल वगैरह आता है कि नहीं? एक्चुअली ये मेरा लास्ट ही अटैम्प्ट है क्योंकि ये होता है ना कि बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हो, एक हो जाता है एक एग्जॉशन हो जाता है, लिमिट्स हो जाती है, तो आई थिंक मेरी लिमिट्स तो आ गई है। प्लान भी यही है हायर स्टडीज़ के लिए ही है, हाँ, या कोई अगर देखना सीन होना है, हम इस वर्ष दुआ करते हैं। और मैम 5 जून को फिर से प्रीलिम्स होने जा रहा है यूपीएससी का, तो फिर उसके लिए आप क्या करना चाहो, कैसे वो प्रिपरेशन करें? मैं तो यही कहूँगी कि टेस्ट सीरीज पर ही ध्यान दो इस टाइम ताकि एक फ्लो रहे, कैलकुलेटिव गेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो। वही है कि प्रीलिम्स में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का टाइम है, प्रीलिम्स का ये होता है। मेंस में तो हमें पता रहता है कि कुछ चीज़ें पता रहती है मेंस में कि ये आ सकती है, प्रीलिम्स में होता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो एलिमिनेशन मेथड में यूज़ कर सके, बाकी ये टेस्ट सीरीज के जो स्कोर्स आते हैं उससे डिसहार्टेड ना हो, तो वही है। थैंक यू सो मच मैम, विश कि आप इस बार सेलेक्ट हो, आपका फाइनलिस्ट बनाए। थैंक यू।